श्रीखंड महादेव का नाम तो सुना ही होगा। भगवान शिव के निवास स्थान में से एक श्रीखंड महादेव है और इसे हिंदुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। श्रीखंड महादेव भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी यात्रा को श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा के ट्रैक को भारत के सबसे कठिन ट्रैक्स में से एक माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित ये शिवलिंग भगवान शिव के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। ये शिवलिंग समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए जानते हैं श्रीखंड महादेव के पीछे की कहानी। श्रीखंड महादेव भगवान शिव का एक सबसे पूजनीय स्थान माना जाता है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। भगवान शिव को कई महीनों तक मजबूरी में यहाँ की गुफा में छिपना पड़ा था। हिमाचल के जिला कुल्लू में करीब 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव सदियों से भगवान शिव के विशाल शिवलिंग के रूप में गवाह बनता रहा है। भगवान शिव को यहाँ अपने एक भक्त की वजह से छुपना पड़ा था। कहा जाता है कि भस्मासुर नामक राक्षस ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि उसे ऐसा वरदान चाहिए कि जिस जीव के सिर पर भी वो हाथ रखेगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ भगवान ने भी उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद भस्मासुर घमंड से भर गया। उसने भगवान शिव को ही जलाने की तैयारी कर ली। इससे बचने के लिए भगवान शिव को निर्मल के देवढांक में स्थित एक गुफा में छिपना पड़ा। कई महीनों तक भगवान शिव को यहाँ रहना पड़ा। उधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बचाने और भस्मासुर का खात्मा करने के लिए मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। भस्मासुर भी इसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने को कहा। भस्मासुर भी तैयार हो गया। वो मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। इसी बीच चतुराई दिखाते हुए मोहिनी ने नृत्य के दौरान अपना हाथ सर पर रखा। इसे देखकर भस्मासुर ने जैसे ही अपना हाथ अपने सर पर रखा वो भी उसी समय राख में बदल गया। भस्मासुर का नाश होने के बाद सभी देवता देवढांक पहुंचे और भगवान शिव को यहां से बाहर आने की प्रार्थना की, मगर भोलेनाथ एक गुफा में फंस गए। यहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो एक गुप्त रास्ते से होते हुए इस पर्वत की चोटी पर शक्ति के रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान शिव यहां से जाने लगे तो यहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक विशाल शिला बन गई। इसे ही शिवलिंग मानकर इसके बाद पूजा जाने लगा। इसके साथ ही दो बड़ी चट्टानें हैं, जिन्हें माँ पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है। मार्ग में पार्वती बाग नाम की एक जगह भी आती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे दुर्लभ ब्रह्मा कमल भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ पार्वती झरना भी दर्शनीय है। माँ पार्वती इस झरने का स्नानगार के रूप में इस्तेमाल करती थी। श्रीखंड महादेव जाते वक्त रास्ते में खास तरह की चट्टानें भी मिलती हैं, जिन पर कुछ लेख लिखे हैं। कहा जाता है कि भीम ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया था, मगर समय की कमी के कारण पूरी सीढ़ियां नहीं बन पाई थी। नेशन स्पीक्स, ब्यूरो रिपोर्ट।